विधानसभा में वित्त विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि सरकार 2047 के विकसित भारत के विजन को लेकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोकतंत्र के मूल्यों और संविधान पर भरोसा करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने आपातकाल लाकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष अच्छे सुझाव देता है तो उसे हम जरूर मानेंगे। संविधान व लोकतंत्र की बातें करने वाले नेता प्रतिपक्ष जी को मैं लोकतंत्र का वो काला दिवस 25 जून 1975 भी याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मात्र अपने पद को बचाने के लिए आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र का गला घोंटते हुए लोकतंत्र की हत्या की थी। जनता के अधिकारों की आवाज उठाने वाले अधिकांश नेताओं तथा अन्य विरोधियों को मीसा के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया था। इस दौरान न्यायपालिका के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया था। इसके साथ ही मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दिया गया था। संविधान में भी संशोधन कर लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी गई थी। ये बात उस दौर को देख चुके लोगों के साथ ही आज की नई पीढ़ी के लिए भी सबक के रूप में याद रख सके, इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी यह ध्यान रहे कि 25 जून को किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया था और देश के अंदर किस तरह से अराजकता फैलाई गई थी। इससे पहले बात करने से पहले लोकतंत्र की हमें अपने आप को भी सोचना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, 1953 से लेकर के 2014 तक 50 बार से अधिक राज्यों में जनता के द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारों को संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए बर्खास्त किया गया था, जबकि हम लोकतंत्र के मूल्यों एवं लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते हैं। हमारी केंद्र सरकार द्वारा कभी भी इनकी तरह आनन फानन में चुनी हुई सरकारों को कभी बर्खास्त नहीं किया गया है। अच्छा होता कि आप लोग भी योजनाओं एवं कार्यों के नाम बदलने वाली राजनीति के स्थान पर जनहित में नई परियोजनाएं लाते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह का पत्थर तो हटाते चलते। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात सच सच भी कही कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री इसलिए नहीं आ रही कि प्रदेश में बिजली और पानी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कांग्रेस के ही 5 वर्ष के शासन काल की गलत अविवेकपूर्ण नीतियों का परिणाम है। इनके समय में ही राज्य की विद्युत कंपनियां लगभग दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गई, जहां वर्ष 2018-19 में राज्य की विद्युत कंपनियां 2,607 करोड़ रुपए के लाभ में थी, परंतु वर्ष 2023-24 में विद्युत वितरण कंपनियों पर लगभग 91,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार हो गया। इसके साथ ही ना तो नए विद्युत संयंत्र बनाए गए और ना ही उपलब्ध संयंत्रों के प्लांट लोड फैक्टर PLF बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। अब हम इस कुप्रबंधन को दूर कर भारत सरकार के विभिन्न PSUs के माध्यम से MOU कर स्थापित क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा मुख्य फोकस रिन्यूएबल एनर्जी तथा सोलर विंड हाइड्रो एनर्जी पर है। मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि एक्सप्रेसवे या किसी भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले कड़ी में सर्वप्रथम DPR बनानी होती है, जो कि सुनियोजित एवं गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए अभी DPR के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। जन सामान्य को यथासंभव बीमारी का सामना ही ना करना पड़े तथा बीमारी होने पर समय रहते उसका पता चल जाए, यही हमारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहली प्राथमिकता है। मैं पुनः माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि हमने बजट में प्रावधान कर माँ बाउचर योजना लाने के साथ ही प्रदेश के कोने कोने में रहने वाले समस्त परिवारों की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच सुनिश्चित कर ई हेल्थ
रिकॉर्ड बनाने की व्यवस्था भी की है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।